नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल नमो टेक्नीशियन में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ ए फाइल के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ ए फाइल के बारे में। फाइल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है। सपोज आप किसी दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हो, तो दुकानदार को आप जाके क्या बोलते हो कि मेरे को 12 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल चाहिए। तो जो 12 मेगापिक्सल होता है वही होता है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो फाइल को जो स्पेसिफाई किया जाता है वो कट से स्पेसिफाई किया जाता है, ग्रेड से स्पेसिफाई किया जाता है, लेंथ से स्पेसिफाई किया जाता है और शेप से स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। ये जो चार टर्म्स है, ठीक है, कट्स है, ग्रेड्स है, लेंथ है, सेफ है। तो ये जो चार है इन्हीं से फाइल को स्पेसिफाई किया जाता है। सपोज हम लोग दुकान जाके बोलते हैं कि भैया हमको सिंगल कट फाइल चाहिए, ये क्या है, कट में आता है, ठीक है, सिंगल कट फाइल। ग्रेड में आता है रफ फाइल। तो अगर हमें रफ फाइल ख़रीदना है तो दुकानदार को जाके बोलेंगे रफ फाइल चाहिए, लेंथ के बारे में, जिस लेंथ का हमें फाइल चाहिए, 250 mm का चाहिए, 300 mm का, ठीक है। तो लेंथ हम बोलेंगे कि इतना लंबा फाइल चाहिए। शेप के बारे में कि हैंड फाइल चाहिए या फिर फ्लैट फाइल चाहिए। तो ये हैं स्पेसिफिकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कट्स कितने टाइप्स के फाइल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है सिंगल कट फाइल, दूसरा डबल कट फाइल, तीसरा होता है रस कट फाइल और चौथा होता है कर्व कट फाइल। ठीक है, तो सपोज ये क्या है, ये है सिंगल कट फाइल का फिगर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो टीथ होता है उसका एक ही, अब देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में है। डबल कट में क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है डबल कट फाइल। सिंगल कट में क्या होता है, सिंगल रो ऑफ पैरेलल टीथ, ठीक है। तो इस दोनों सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल में क्या होता है, जो दोनों के एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होता है, जो टीथ का एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। और डबल कट में क्या है, दो टर्म है, एक ओवर कट, दूसरा होता है अप कट। तो ओवर कट किसे कहा जाता है, फर्स्ट रो ऑफ टीथ, ठीक है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट रो ऑफ टीथ है, ठीक है। तो ये होता है ओवर कट और ये होता है अप कट। अब दोनों का एंगल क्या होता है, ओवर कट का होता है 70 डिग्री और अप कट का होता है 51 डिग्री। और दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है, दोनों का यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल में, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, इस टाइप के मटेरियल में सिंगल कट फाइल का यूज किया जाता है, डबल कट फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रस्फ कट फाइल के बारे में। तो इसका जो टीथ होता है ये पॉइंटेड शार्प टीथ होता है, ठीक है, इस टाइप के टीथ होता है। आप पंचर दुकान में
देख सकते हैं, ठीक है, देखे होंगे आप, इस टाइप के टीथ होते हैं। इसका यूज किया जाता है लकड़ी में, लेदर में, प्लास्टिक में, ठीक है। तो रस्ट कट फाइल का इस टाइप के मटेरियल में यूज किया जाता है, वुड, लेदर, ठीक है, और अदर सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कर्व्ड कार्ड फाइल के बारे में। तो इसका इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है इसका जो फिगर बनेगा। इसके जो टीथ होते हैं, ठीक है, इसके जो टीथ होते हैं, इस टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्व्ड कार्ड फाइल, सॉरी, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के टीथ होते हैं। तो इसका भी जनरली यूज कहाँ पे होता है, इसका भी यूज होता है सॉफ्ट मटेरियल पे, इसका भी यूज सॉफ्ट मटेरियल पे इसका यूज किया जाता है, जैसे टीन, प्लास्टिक, ठीक है, एल्युमिनियम, जो भी है सॉफ्ट मटेरियल पे कर्व कट फाइल का भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यही था कट अकॉर्डिंग टू कट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कट्स फाइल के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जो है मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।